सुनो भाई सुनो सुनो आगे वाले सुनो सुनो पीछे वाले सुनो सुनो अंदर वाले सुनो सुनो बाहर वाले सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो आओ आओ नाटक देखो आओ आओ नाटक देखो आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो प्रॉब्लम नाटक नहीं है आईना है आईना सच्चाई केवल और केवल सच्चाई 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 ये है कि भारत जहाँ माता पिता को भगवान का रूप माना जाता है और आज इसी भारत में 30% लोगों में से 5% और ये कैसी विडंबना है उन 5% में से केवल 2% ही कानूनी सलाह को पा पाते हैं क्या हो रहा है हमें कितने बदल रहे हैं हम देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान नमस्कार भाइयों और बहनों हम नॉर्थ एनआईटी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजा की ओर से प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है वृद्धा अवस्था जी 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 सक्सेना साहब क्या 5 लाख रुपए का अरे नहीं नहीं ये तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा सक्सेना ठीक 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 माँ एक ग्लास पानी तो लाओ नहीं बेटा हाँ मिश्रा जी कहीं से 5 लाख रुपए के इंतजाम कर दीजिए बड़ी मेहरबानी होगी क्या हुआ बेटा कैसे परेशान है बेटा बता तो सही अरे कुछ नहीं माँ कृपया करके आप जाइए यहाँ से बेटा माँ माँ जी किसी पार्टी के लिए जा रही हूँ शाम तक ही वापस आऊंगी बेटा किसके साथ जा रही है जाते टाइम मुझे ढोका मत करो बेटा ये तो बता दीजिए कब आएगी अरे क्या हुआ भाग्यवान क्यों परेशान हो रही हो मैंने बहू से पूछा कहाँ जा रही है कोई जवाब नहीं दिया अरे पता नहीं क्या हो रहा है घर में कोई समझता नहीं है लगता है हमसे परेशान है अरे तुम चिंता मत करो मैं श्रवण से बात करता हूँ अरे बेटा श्रवण तुम श्रवण से पूछो क्या पता टिम्पल और बहू बता के गई है उसको अरे बेटा श्रवण अरे सुन रहे हो बेटा अरे क्या हुआ बाबूजी क्यों चिल्ला रहे हो इतना अरे बेटा जो बहू और डिंपल पता नहीं इस वक्त कहाँ चले अरे बाबूजी आ जाएंगे आप चिंता मत कीजिए बेटा वक्त को अरे बैठ का चिंता कर रहे हैं आप दोनों महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है रात में जाना अरे कुछ नहीं होगा माँ बैठ की चिंता करें जाइए खा करके सो जाइए कृपया करके डिस्टर्ब मत कीजिए बहुत काम होता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ बताओ क्या बात है मैंने श्रवण को फोन पे बात करते हुए सुना था कि उसका कारोबार नहीं चल रहा है वो इसलिए परेशान दिख रहा है बहुत दिनों से तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान क्योंकि मैं भी आजकल देख रहा हूँ श्रवण कुछ परेशान सा रहता है क्या तुम उससे बात करोगे उसे हमारी मदद चाहिए बात करता हूँ मैं उससे लेकिन उससे पहले मैं भी तुमसे बात करना चाहता था बताइए अब भाग्यवान आपको तो पता ही है कि हम चंद दिनों के मेहमान हैं इस दुनिया में और ये जो हमारी जमा पूंजी है ये हमारी प्रॉपर्टी है ये है तो हमारे दोनों बेटों की ही तो क्यों ना हम उन दोनों के ये नाम करके हम भी कंगन आ ही लेते हैं मतलब क्या मैं कुछ समझी नहीं अरे मतलब ये है भाग्यवान आज नहीं तो कल आखिर ये प्रॉपर्टी ये जायदाद जो भी है आखिर उन दोनों के नाम तो करनी ही पड़ेगी ना तो आज ही क्यों नहीं हम कर देते ये देखो बुढ़ापे का कुछ नहीं पता हमें दाल रोटी दे ना दे अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम मत करो अरे क्यों शक करती हो भाग्यवान हमारे बच्चों पे तुम बहुत शक करती हो ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है
तुम्हारा ना ये जो सीरियल आते हैं ना क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, ये देखकर तुम्हारे दिमाग में व्यायाम हो गया है। सब मत किया करो, ठीक है? देखो परवरिश मैम ने अपने बच्चों में कोई कमी नहीं करी है, पर बच्चे अपना कम रंग दिखा दे कोई पता नहीं है टाइम का। नहीं नहीं बहुत ज्यादा सुस्ती हो गई। अच्छा सुनो, वो जो अपने अपने रमेश बाबू है ना, उनका बेटा जो है 30,000 में वकील है। हाँ अमित, अमित मैं काम करता हूँ, मैं उसको बुला लेता हूँ, वो सारे काम कर देगा हमारे। ठीक है बुला लीजिए, मैं काम कर लूँगी, सारा काम पड़ा है। बात कर देता हूँ मैं एक बार। आजकल के ये फोन भी तो समझ नहीं आते। हेलो हेलो बेटा, अमित बोल रहे हो? अरे बेटा खुश रहो खुश रहो, कैसे हो? अरे बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अगर फुर्सत हो तो तुम घर आ सकते हो बेटा? बेटा बहुत मेहरबानी होगी, जरा जल्दी आना। भाग्यवान वो आता ही होगा, कुछ नाश्ता वास्ता तैयार कर दूँ। चाचा जी पढ़ना। अरे आगे बेटा खुश रहो खुश रहो। अरे बेटा कैसे हो? चाचा जी मैं ठीक हूँ, पर आप क्यों परेशान नजर आ रहे हो? ठीक रहे बेटा, क्या करें? पानी पी लो बेटा, पहले पानी पी लो। बेटा तुमको तो पता ही है कि जितनी भी कानूनी सहायता होती है मैं तुम्हीं से लेता हूँ। बेटा आपको तो पता ही है कि आपकी चाची और आपके चाचा की जो उम्र है वो बस चंद दिनों के हम मेहमान हैं इस दुनिया में। अरे चाचा जी ऐसा ना कहिए। अरे सच्चाई है बेटा, इसको कौन टाल सकता है। बेटा मैं ये सोच रहा था जो हमारी जमा पूंजी है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो मैं अपने दोनों बेटों के नाम कर देता। बताओ इसमें क्या कानूनी कार्रवाई होगी, हमें बता दो, हम कर देते हैं कुछ इसका। चाचा जी वो तो ठीक है, पर आपका किसी तरह का दबाव तो नहीं है? अरे कैसा दबाव बेटा, मैं जॉब तो थोड़ी ना दे रहा हूँ। मैं अपनी जमा पूंजी, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ही तो दे रहा हूँ, कैसा दबाव बेटा? बिल्कुल सहमति है हमारी। चाचा जी एक बार फिर सोच लीजिए, अगर आपने कोई जवाब दे तो वो भी मुझे दे रहा। कोई नहीं कोई नहीं, ये हमारी बिल्कुल सहमति है। मैंने और भगवान ने दोनों ने ठीक से सोच कर ये फैसला लिया है बेटा। धन्यवाद बेटा। अरे भगवान हाँ ये भी काम हो गया अपना। अच्छा आ जाएंगे बस दो दिन में, समझो कि तुम्हारा काम हो गया। बुला लो अपने बच्चों को। राम बेटा राम। अरे बेटा श्रवण जल्दी से बोलो बेटा, क्या हो रहा है तुझे? एक मिनट में बात कर लूँ ना, अभी मुझे टाइम नहीं। बाबूजी बाद में बात करते हैं। बहुत जल्दी बात। ठीक है जल्दी से बेटा शाम। बेटा ऐसा है कि जो हमारी जमा पूंजी है, जो प्रॉपर्टी है, बेटा चलो डेट सही सही, पर अकल तो आ गई लास्ट में आप दोनों का। बेटा तुम्हारी तरक्की में हमारी संतुष्टि, खुश रहो बेटा। चलिए चलिए चलो भगवान थोड़ा आराम कर लेते हैं। चार बोतल पीऊंगा। भाइयो और बहनों देखते हैं जमीन जायदाद हस्तांतरण करने के कुछ दिनों पश्चात इस घर में क्या होता है। अरे बेटा श्रवण, बेटा श्रवण सुन रहे हो? बाबूजी। अरे बेटा बहुत तेज भूख लगी है, तो खाने के लिए दे दो बेटा। भूख लगी तो मैं क्या करूँ, वहाँ से मांग लो, बहुत से मांग लो, या किचन में जाकर कुछ तो ले आओ। बेटा क्यों चिल्ला रहे हो? अंदर के काम करो, रसोई चूल्हा जिसका क्या क्या करूँ मैं? ठीक है शांत रहो बेटा, चिल्लाओ मत बेटा, मैं मांग लेता हूँ। जल्दी मांग लो या फिर कुछ जाकर ले आओ। ठीक है बेटा। अरे बहू, अरे बहू कहाँ हो? क्या है पिताजी? अरे बहू कुछ खाने के लिए दो, तो बहुत तेज भूख लगी है। अभी भगवान की दया से आपके हाथ पैर ठीक है, जाके किचन से ले लेना, मैंने बना दिया है। और हाँ श्रवण के लिए और मेरे लिए भी ले आना। भगवान क्या हो गया है, कैसे परेशान हो रहे हो? अरे देखो भगवान मैं खाना मांग रहा हूँ, कब से सुबह से कुछ खाया नहीं है, कोई खाना नहीं दे रहा है भगवान। मैंने तुम्हें समझाया था पर मेरी सुनता कौन है? अरे मैं क्या जानता था कि ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे। मैंने तो सोचा कि अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दूंगा तो शायद वो हमारी देखभाल अच्छे से करेंगे। हमें तो पता था ये होना है, पर तुम सुनते कहां हो? अरे ये तुम्हारा ऐसा है, अभी तक ना राम नहीं आया, उसे देखो पहले। कहां गया, कहां पी रहा होगा? बेटा राम तरफ जा, बोतल खोल का काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोकते ना किसी ने रोका। आ गया फिर पीकर तू। बेटा ये क्या तमीज़ है तेरी बोलने की? चुप बुढ़िया। शर्म कर शर्म।
अरे जा जा। ऐसा है मेरी दवाई लेकर आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे पास दवाई लाने के। दारू पीने के लिए पैसे हैं तेरे पास? बंद कर इमोशनल ड्रामा, जा रहा हूँ सोने, नींद आ रही है मुझे। छोड़ो अबे, कोई हमारे सुनता भी नहीं है, क्या होगा हमारा? चलिए चलते हम यहाँ से। एक काम करते हैं, वृद्धाश्रम में चलते हैं। बेटा तू जा यहाँ से, अपनी पढ़ाई कर। नहीं सुन लो बच्ची क्या बोल रही है, सुन लो। बेटा तुझे पता है तेरे पापा और तेरे चाचा के नाम हमने सारी जायदाद कर दी थी, हमने सोचा बुढ़ापे का सारा वही है, दो टाइम की रोटी मिल जाएगी, बट हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम जा रहे हैं घर छोड़कर बेटा। सुन तो लीजिए। क्या सुने, क्या सुने? मैंने उसको फेयर में दर्शन की ओर से कि कोई भी महिला या वह व्यक्ति जिसकी सालाना आय 1 लाख से कम है या कोई भी बुजुर्ग वह डॉक्टर के ऑफिस जाकर मुफ्त कर सकता है और यह उसका कानून में अच्छा है। चलिए दादा दादी। बेटा हाँ चलो, क्या चलो शायद कुछ शायद बात मिल जाए, पता नहीं कोई मदद मिलेगी कि मिलेगी, देखते हैं, पहुंच जाते हैं, आपकी उम्मीद है। नमस्कार, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कुछ दिनों पहले हमने अपनी सारी जमा पूंजी, सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटे के नाम कर दी बेटा। अब बेटा आलम ऐसा है कि हमें कुछ नहीं मिलती बेटा, हमारा ख्याल नहीं रखते बेटा, हम बहुत परेशान हैं, कुछ मदद कर। क्या वो आपको घर खर्च भी देते हैं? देखिए कानून प्रक्रिया के अलावा भी एक बार हम उनसे बातचीत करके देख लेते हैं, आप मेरी बात अपने बेटों से करवा दीजिए। हेलो श्रवण जी, एक बार अपने भाई के साथ डालसा के ऑफिस आ जाइए, आज की शिकायत आपके माँ बाप ने की है। ठीक आ रहा हूँ, चलो। अरे माँ और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो घर चलो, घर चलो। भाई साहब आपके मतलब शिकायत पे आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं, पता उनको कोई खर्च भी नहीं देते हैं। अरे वकील साहब, ये मेरे घर का मामला है, हम तो घर में निपटा लेंगे, आपका इतना जरा क्या? अगर इन्होंने शिकायत करी और केस किया तो आपको देने के देने पड़ जाएंगे, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2007 के अंतर्गत हर किसी का अधिकार है, हर बच्चे का फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता को खर्च दे, उनका ध्यान रखे, ताकि वो अपने जीवन घर के साथ व्यतीत कर सके। ना बेटो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उनको मेंटेनेंस का अधिकार है, यही नहीं इतना नहीं देने पर आपको जुर्माना तथा सजा या दोनों भी हो सकते हैं, और आप माता जी अपने बच्चों के नाम दी गई प्रॉपर्टी को अमान्य भी करवा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अमान्य नहीं करवाएंगे, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें। दारू पीना छोड़ दे, शादी करवा दे, मैं दारू पीना छोड़ दूंगा।